कर सकते। चौधरी, ये हमारा अपमान है। आसपास के 100 गांवों में हमारी इज्जत है, तुम हमारा ऐसा अपमान नहीं कर सकते। ये संस्कार दिए अपनी अपनी बेटी को, सारे समाज के सामने हमारी नाक कटा के रखती है। सारी रस्में हो चुकी है, तुम ऐसे शादी के लिए मना नहीं कर सकती। बहुत खूब रश्मि, बहुत खूब। आज 28 नवंबर है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। जब तुम्हें शादी करना ही नहीं था तो क्या जरूरत थी हमें बुलाने की? आखिर तुम भी तो राजी थी ना शादी के लिए। मैं जानता हूँ तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि अपनी बाप की पगड़ी उछल। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं मजबूर था। जिसकी अपनी बेटी अपने बाप की भावनाओं को न समझे, तब मैं क्या कर सकता हूं। मैं पूरे समाज के सामने माफी मांगता हूं। नहीं बाबूजी, नहीं, आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माना ठाकुर साहब की दिल्ली तक पहचान है, मगर प्रदेश में भी तो आज मतदान है। राहुल जी, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और प्रदेश का भी बड़ा दिन है। आपने वोट नहीं दिया पिताजी? मतदान नहीं तो कन्यादान नहीं। हाँ बेटा, मतदान नहीं तो कन्यादान नहीं। 3 बज गया है, जब तक मैं वोट देके आऊंगा तब तक तो मुहूर्त ही निकल जाएगा। अरे यजमान, आप मुहूर्त की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप तो मतदान कीजिए, कन्यादान तो हम करवा ही देंगे। अरे भाई, कोई वोटमैन को बुलाओ। वोटमैन, वोटमैन, मैं हूँ आपका वोटमैन। चलिए वोट देने चाहिए। मैं वोट देके आता हूँ पंडित जी। हो गया मतदान, वर वधु एक दूसरे को माला पहनाइए। फेरे लेने के लिए तैयार हो जाइए, फेरे लीजिए। तो आप लोग सब समझ गए ना, सारे काम छोड़ दो।